Jesus, thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो। ये हम बोर्ड में सम्मानन करेंगे जो कि पाया जाता है यूहन्ना उसका दस। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें जीवन देने आया और बहुत तायत का जीवन देने आया। और यहाँ पे जब हम इस वर्ड को पढ़ते हैं, इस वर्ड को मनन करते हैं, जब आप इस पूरे पैसेज को पढ़ेंगे, इस पूरे पैसेज को आप समझेंगे, तो बाइबल हमें इस बात को बताती कि ये पैसेज हमें इस बात को सिखाता है कि यीशु जो है वो एक अच्छा चरवाहा है। और यीशु हमारा जो चरवाहा है, हम उसकी भेड़ हैं। हम कई बार हमारी लाइफ में इस बात को कहते हैं कि प्रभु हम ऐसी बात को करना चाहते हैं, परमेश्वर यीशु हम इस बात को यहाँ अपनी लाइफ में से इन सारी बातों को हटाना चाहते हैं पिता, हम हमारी माइंडसेट को चेंज करना चाहते हैं प्रभु। कई बार हम परमेश्वर के सामने अपनी कंप्लेन को रखते हैं, अपने प्रभु के सामने हम अपनी बातों को रखते हैं, हमारे प्रेयर पॉइंट्स होते हैं, हमारी बहुत सारी डिजायर्स होती है। पर पता है बाइबल हमें इस बात को कहती है कि वो अच्छा चरवाहा है, यीशु हमारा अच्छा चरवाहा है। और जब आप इस बात को प्रोक्लेम करते, तो मैं इस बात को सोचती हूँ कि हमें इन सारी बातों के लिए बहुत ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अच्छा चरवाहा होता है वो अपनी भेड़ों के लिए अच्छा ही चाहता है। जो अच्छा चरवाहा होता है वो अपनी भेड़ों को सही राह पे चलाना जानता है। जो अच्छा चरवाहा होता है वो अपनी भेड़ों के लिए सब कुछ करना जानता है। उन्हें वो कैसे लेके चलेगा, वो अच्छे से अपनी भेड़ों को लेके चलेगा, वो अपनी भेड़ों को अच्छा खाना खिलाएगा, वो अपनी भेड़ों को साफ पानी देगा, वो उनके हेल्थ का ध्यान रखेगा, वो उनकी, जब हम इस बात चरवाहा की बात कर रहे हैं, तो वो चरवाहा यीशु मसीह और कोई नहीं है, उनकी स्पिरिचुअल लाइफ की वो ध्यान रखेगा, वो हर तरीके से उनका ध्यान रखता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर वो अपनी भेड़ों से चाहता है, अगर वो उनके लिए इतना सब कुछ कर रहा है, तो वो इस बात को चाहता है कि मेरी भेड़ें हमेशा खुश रहें, मेरी भेड़ों के लिए जो मैं कार्य करता हूँ वो रिटर्न में उनसे इतना चाहता है कि वो मेरी भेड़ें जो हैं वो खुश रहें, वो अपनी लाइफ को इंजॉय करें, वो अपनी लाइफ में टेंशन लेके ना जिए, वो अपनी लाइफ में किसी एक प्रॉब्लम को पकड़ के ना जिए, वो अपनी लाइफ में एक शांति, एक आनंद उनके जीवन में होना चाहिए। पता है जब हम, अगर हम इस एग्जांपल को ऐसे समझें, जो चरवाहा, जो नॉर्मल चरवाहा होता है, वो अपनी भेड़ों का ध्यान रखता है, वो हर कार्य करता है उनके लिए। अगर उसकी किसी भेड़ को लग जाती है तो तुरंत जाता है, उसको मल्लम पट्टी करता है, उसका ध्यान रखता है, उसकी केयर करता है, और जब वो ठीक हो जाती है तो बहुत खुश होता है कि यार मेरी भेड़ ठीक हो गई। पता है बाइबल हमें सेम इस बात को बताती है कि उसकी एक भेड़ खो गई थी और उस भेड़ के पीछे गया था यीशु, उस भेड़ को ढूंढने गया था, उस भेड़ को ढूंढ के लाता है। पता है जब हम अपने प्रॉब्लम्स में, अपने टेंशन्स में, अपने सब चीजों में खो जाते, तो प्रभु आपको ढूंढने लगता है। प्रभु आपको इसलिए नहीं ढूंढने लगता है कि यार मेरा बच्चा परेशान है या मेरा बच्चा क्या हो गया है। प्रभु इस बात के लिए आपको ढूंढता है कि मेरा बच्चा क्यों निराश हो गया। परेशान तो हुए हैं आप में, वो नो डाउट, पर उसका मेन मुद्दा ये कि मेरा बच्चा निराश क्यों हो गया, मेरा बेटा, मेरी बेटी निराश क्यों हो गई। जो हमारा चरवाहा है, जब यीशु हमारा चरवाहा है, तो वो हमेशा इस बात को ध्यान है कि यार मेरा बेटा, मेरी बेटी हमेशा खुश रहना चाहिए, मेरे बच्चे हमेशा खुश रहना चाहिए। पर कई बार हम बच्चे ही उन प्रॉब्लम्स को, उन टेंशन को पकड़ के बैठे रहते हैं। हमने शायद इतनी जोर से उन सारी प्रॉब्लम्स, उन सारे मैटर्स को इतनी जोर से पकड़ के, जकड़ के रख लिया है कि यीशु उन सारी बातों के लिए आपको, हमारा चरवाहा चाहता है कि वो सारी बातें हम छोड़ दें, अर्थात यीशु मसीह चाहता है कि हम उन सारी बातों को छोड़ दें
और उस जॉय को हमारी लाइफ में आने दे। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है, यूहन्ना उसका 15 उसके 11वें में, कि माय जॉय एंड डिलाइट मे बी इन यू। परमेश्वर की आनंद, परमेश्वर का जॉय आपके अंदर होना चाहिए। और यहाँ पे वर्ड्स में इस बात को लिखा है मे बी इन यू। प्रभु चाहता है कि वो आपके अंदर हो, बट सेम टाइम पे प्रभु इस बात को कर रहे हैं मे बी। वो इसलिए इस बात को यहाँ पर लिख रहे हैं क्योंकि हम हमारे प्रॉब्लम्स, हमारे टेंशन को पकड़ के और जकड़ के रखे हुए हैं, हम ही नहीं छोड़ना चाहते। और सेम टाइम पे हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे चरवाहा से प्रार्थना करें प्रभु आप मैटर को सॉल्व करें। हो सकता है कि मैटर बहुत छोटा हो सकता है, मैटर बहुत बड़ा हो सकता है, मैटर प्रॉब्लम टेंशन बहुत लंबे समय से चलते आ रहे हैं। कुछ ऐसे प्रेयर पॉइंट्स होंगे जो शायद बहुत लंबे समय से चलते आ रहे हैं, पर हमने ही उनको पकड़ के और जकड़ के रखा हुआ है। तो प्रभु हमसे इस बात को चाहते हैं कि हम उन सारे मैटर्स को, उन सारे प्रॉब्लम्स को, उन टेंशन को हम छोड़ें और उस जॉय को जो प्रभु ने, जो चरवाहा ने हमारे लिए रखा है, उसे हम संभाल कर रखें। उस जॉय को हमें जाने ना दें। पता, ये प्रभु की एक डिजायर है हमारे लिए कि हमारे अंदर जॉय बना रहे, हमारे लिए हर दिन आनंद नया है, हमारे लिए हर दिन आनंद बड़ा है, क्योंकि हमारे साथ यीशु है, हमारे साथ वो पिता है जो हर समय हमारे साथ चलता है। हो सकता है ये वर्ड बहुत कॉमन हो आप लोगों के लिए, पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो शायद अपने पीस को, अपने जॉय को खो दिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके शायद फैमिली में ऐसे मैटर्स हो गए या उनके लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उन्होंने अपने जॉय को खो दिया है। और प्रभु चाहता है वो उस जॉय को पाए, उस जॉय को अपने अंदर लेकर आए, क्योंकि वो जॉय जब वो प्रभु से बोलेंगे उन प्रॉब्लम्स को, उन समस्याओं को जब वो छोड़ेंगे, तभी तो जॉय उनके अंदर आएगा, नहीं तो जॉय कहाँ से उनकी लाइफ में एंटर करेगा। प्रभु तो हर दिन चाहता है कि वो जॉय हमारे अंदर है। कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु तो चाहता ही नहीं कि हम खुश रहें, प्रभु तो हमारी लाइफ में कुछ अच्छा चाहता ही नहीं है। कल जब परमेश्वर के दास इस बात को प्रचार करते कि दाऊद इस बात को कह, उसके साथ समस्याएं चल रही थी, उसके पास प्रॉब्लम चल रही थी, पर जब वो एंड में इस बात को कहता है प्रभु मैं अपने पुराने दिनों को याद करता हूँ, क्या आज और हम उन पुराने दिनों को हम याद करें जब प्रभु हर समय हमारे साथ खड़े हुए थे, जहाँ परमेश्वर हमारे साथ खड़े हुए थे और खड़े हैं आज भी? क्या हम उन पुराने टेस्टिमनीज को याद कर रहे हैं क्या, जब आज हम इस प्रेजेंट समस्या में हैं? तो क्या हम उन सारी टेस्टिमनी के लिए प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं? मुझे पता है प्रभु जब आप उस समय मेरे साथ थे, आज भी आप मेरे साथ हैं और आप हर बातों को अच्छा करने वाले परमेश्वर हैं। कई बार हम इस बात को सोचते कि कुछ अच्छा नहीं होता, हो सकता हमारे साथ, ये शैतान का झूठ है जो उसने आपके माइंड में डाल दिया है, ये शैतान की वो ऐसी बातें हैं जो उसने आपके माइंड में डाल दिए। बट सेम टाइम पे प्रभु का वचन हमें इस बात को सिखाता है, जो आज भी जिंदा है, वो इस बात को सिखाता है कि परमेश्वर आपके जीवन में उस आनंद को, उस जॉय को देखना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि वो जॉय आपकी लाइफ में बना रहे, परमेश्वर चाहता है अर्थात यीशु मसीह चाहते कि वो जॉय आपकी लाइफ में बना रहे, पर हम ही उस जॉय को पकड़ के रखना नहीं चाहते। हम ही नहीं चाहते कि कैसे हम उस समस्या को छोड़ दें। हम समस्या ने शायद हमको इतना पकड़ के नहीं रखा जितना हमने उस समस्या को पकड़ के रखा हुआ है। अगर आप इस बात का दावा करते, आप इस बात को कहते कि मैं यीशु की संतान हूँ, यीशु ने मुझे अपने लहू से खरीदा है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर आप यीशु के बच्चे, तो आप उन सारे सारे परेशानियों पे ओवरकम करें। ये अधिकार प्रभु ने आपको दिया है, और जब आप इस अधिकार के साथ खड़े होकर उन सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर ओवरकम करते, आप उस जॉय को अपनी लाइफ में देखते, उस आनंद को आप अपनी लाइफ में देखते। हम हर चीज प्रभु के ऊपर ढोल देते कि प्रभु आपने मेरी लाइफ में ऐसा कर दिया, प्रभु ये कैसे हो गया मेरी लाइफ में।
हम शायद समस्या नहीं बदल सकते, पर हम उस समस्याओं के ऊपर ओवरकम कर सकते हैं अपने जॉय के साथ, जो जॉय प्रभु ने आपके और मेरी लाइफ में रखा है। हालेलुया। मैं आपको इस बात के लिए उत्साहित करना चाहती हूँ, मैं आपको इस बात के लिए ये कहना चाहती हूँ कि हमें अपने उस जॉय को छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमारा चरवा अच्छा चरवा है, और हमारा चरवा और कोई नहीं, हमारा चरवा अर्थात जिंदा यीशु मसीह है, जिसने हमसे इतने सारे वादे किए, जिसने हमसे इतने सारे प्रॉमिस किए, जो हमारे साथ हमेशा बना रहता है, जो हमारे उस आनंद को कभी कम होने देना नहीं चाहता। पर हमने कहीं ना कहीं हमारे माइंड में उन सारी बातों को बसा लिया और हम उस जॉय को एंटर ही नहीं होने दे रहे, हमने ही दरवाजा बंद करके रखा हुआ है उस माइंड में, और हम उस यीशु को ब्लेम करें कि प्रभु ये कैसे हो गया। जब हम इस बात को प्रोक्लेम करते हैं, प्रभु हमें हर दिन इस बात को प्रोक्लेम करना चाहिए, मैं हर दिन इस बात को कहती हूँ, प्रभु मैं आपकी बेटी हूँ, मेरी लाइफ में कोई ऐसी बात नहीं है जो मुझे आपसे दूर कर सकती है। ये बात हमें रोज प्रोक्लेम करने की जरूरत है, हमें खुद को बोल के बताने की जरूरत है, हमारे माइंड में हमें अंदर डालने की जरूरत है, हमारे माइंड में हमें इस बात को लाने की जरूरत है कि प्रभु मैं आपकी बेटी हूँ, प्रभु मैं आपका बेटा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है जो मुझे आपसे दूर कर सकती है, ऐसा कोई कुछ है ही नहीं इस दुनिया में, इस मेरे लाइफ में जो मुझे आपसे दूर कर सकता है। अब हर सुबह इस बात को हमें बोलना जरूरी है, इस बात को अंगीकार करना जरूरी है, और मैं हर बात इस बात इस कार्य को करती हूँ कि प्रभु मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे कोई आपसे अलग नहीं कर सकता पिता, चाहे वो कोई भी मैटर क्यों ना हो, कोई भी मुझे आपसे अलग नहीं कर सकता प्रभु। पता है जब हम बोलते ना तो हम खुद हमारे कानों से सुनते हैं, और जब हम सुनते हैं तो हमारे माइंड में वो रिएक्ट करता है, और हम क्या करते हैं कि प्रभु ये समस्या मेरे साथ हो गई है, प्रभु ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो गया, आप वही बोल रहे हो, वही सुन रहे, वही बोल रहे, वही सुन रहे, पर हमें शायद अब बोलने का तरीका चेंज करने की जरूरत है, हमें ये कहना जरूरी है, प्रभु मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे पता है आप मेरे चरवाहे, तो मेरी लाइफ में कुछ गलत नहीं हो सकता। शायद कोई इस समय इस बात को कह रहा होगी, मेरी लाइफ में तो सब कुछ गलत ही चल रहा है, हम शैतान को क्यों अवसर दे हमारे मुख से बोल कर कि वो हमारी लाइफ में एंटर करे, हम क्यों अवसर दे उसको कि हमारी लाइफ में एंटर करे, हम क्यों ऐसा कहें कि शैतान हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, आजा तू आजा हमारी लाइफ को और बिगाड़ ले। शैतान तो रेडी बैठा है हर चीज खराब करने के लिए, शायद उसका ध्यान भी नहीं होगा तो आप बोल बोल के उसके ध्यान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे, अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ नया है, क्योंकि वो यीशु मसीह हमारे साथ है, वो चरवाहा जिसने आपको और मुझे बनाया वो हमारे साथ है, यीशु हमारा अच्छा चरवाहा है, द गॉड इज माई गुड शेपर्ड, यहोवा मेरा चरवाहा है, वो चरवाहा है आपका और मेरा, उसको पता है आपको कैसे चराना है, आपको कैसे उठाना है, आपको कैसे चलाना है, उसको सब पता है, ये क्यों ना हम उसकी तरह चल, उस जिस तरह के वो हमको चलाना चाहता है क्यों नहीं हम उस तरीके से चले, और उस जॉय को हम कभी ना अपनी लाइफ से दूर होने दें। जो प्योर जॉय आता है वो सिर्फ यीशु की ओर से आता है, जो प्योर आनंद आता है वो सिर्फ प्रभु की ओर से आता है, वो किसी और की तरफ से नहीं आता। संसार का जॉय थोड़ी समय के लिए रहेगा, लोगों से अपनी प्रॉब्लम शेयर करना थोड़े समय के लिए जॉय आपको देगा, थोड़े समय के लिए शांति देगा, किसी के पास काउंसलिंग के लिए जाना हो थोड़े समय के लिए होगा, बट यीशु के साथ काउंसलिंग लेना, यीशु के साथ अपनी सारी प्रॉब्लम को दे देना, वो जीवन के अंत तक रहेगा, और वो जॉय जो आपको देगा, वो आनंद जो आपको देगा, वो और कोई नहीं दे सकता। ये वर्ल्ड में वो खुशी नहीं है, लोग इस वर्ल्ड में खुशी को ढूंढते हैं, उस जॉय को ढूंढते हैं, पर मैं आपको इस बात को कहना चाहती हूँ, जो जॉय यीशु के पास है वो जॉय किसी के पास नहीं है। हमने ऐसी टेस्टिमनी मैंने देखी है कि लोग
वर्ल्ड के सारे नशा करके कर लिए हैं, सब कुछ कर लिए, पर जब उनका प्रभु के साथ एनकाउंटर हुआ, वो इस बात का अंगीकार करते, वो इस बात को कहते कि यीशु जैसा आनंद और कहीं नहीं है, यीशु जैसा नशा और कहीं नहीं है। अगर नशा करना है तो यीशु का नशा करिए। हालेलुया, मैं आपको इस बात के लिए उत्साहित करना चाहती हूँ। आइए क्यों ना उन पुरानी बातों को छोड़ के, उन मैटर्स को छोड़ के, उन प्रॉब्लम्स को छोड़ के, उन टेंशन्स को छोड़ के अपनी लाइफ में उस यीशु का आनंद आने दीजिए, उस यीशु का जॉय आने दीजिए। और इस बात को हमें कभी नहीं भूलना है कि हमारे इस जॉय के लिए उसने क्रूस पर अपनी लाइफ को कुर्बान किया। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि उसने उस हमारे जॉय के लिए उस कोड़ों को खाया है कि हम खुश रह सके, हम उन बीमारियों को दूर करके हमारी लाइफ में से वो आनंद हम इस बात को प्रोक्लेम करते हैं, इस बात को हम कहते हैं उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। अगर आप इन सारे चंगाई, जरूरी नहीं कि हमें शारीरिक ही हो, चंगाई हमारी स्पिरिचुअली भी होती है, चंगाई हमारी उन प्रॉब्लम्स और मैटर्स को छोड़ने से भी होती है। उस यीशु के सेक्रीफाइस को वेस्ट मत करिए। लोग, मैं लिटरली इस बात को फील कर रही हूँ कि लोग अपने टेंशन्स को, अपने प्रॉब्लम्स को ऐसे पकड़ के बैठे हुए हैं कि पता नहीं कौन सी क्या हो गया है। पर मैं आपको इस बात को कहना चाह रही हूँ, आप उस यीशु के सेक्रीफाइस को बर्बाद मत करिए। आप उस यीशु ने जो आपके लिए अपने खून का एक एक कतरा बहाया है, जो उस चीज को बर्बाद मत करिए। वो यीशु ही चाहता है जिसने आपके लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, जिसने अपना लहू का सब कुछ एक बूंद दे दिया, वही यीशु चाहता है कि आप खुश रहें। और मेरे को लगता है इससे बड़ी और कोई बात है कि आपको खुश रहने के लिए और कुछ मोटिवेट करने की जरूरत है? आपको अपने माइंड से प्रॉब्लम्स निकालने की जरूरत है, उन मैटर्स को अपने माइंड से दूर करने की जरूरत है? अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये कुछ भी नहीं है, यीशु ने कुछ भी नहीं करा मेरे लिए, तो जाइए कुछ अपने माइंड में से इन सारी बातों को आप निकालिए। उन लोगों से पूछे जिनके पास यीशु नहीं है, उन लोगों से पूछे जिनको यीशु का वर्ड पता नहीं है। हमारे पास वर्ड होते हुए भी हम खुश रहना नहीं चाह रहे, तो सोचिए आज हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ हैं। परमेश्वर का वर्ड होने के बाद भी हम शायद परमेश्वर के वर्ड को पढ़ नहीं रहे। मैं आपको इसी बात के लिए उत्साहित करना चाहती हूँ कि उस यीशु के सेक्रीफाइस को नाश ना जाने दें, उस यीशु के सेक्रीफाइस को ऐसे ही नहीं जाने दें। परमेश्वर ने आपके लिए अपने अपने बेटे का एक एक खून का कतरा बहाया है, सो उसकी वैल्यू हमें समझ में आना चाहिए। और वही परमेश्वर जिसने आपके लिए और मेरे लिए, अपने हमारे पापों के लिए, हमारे खुशी के लिए, हमारी हर चीज के लिए परमेश्वर ने, अर्थात यीशु मसीह ने उस क्रूस पर जो सेक्रीफाइस किया है, वही प्रभु चाहता है कि हम आनंद से रहें, हम खुशी से रहें। हालेलुया, मैं आपको इसी बात के लिए उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह चाहते हैं आप उस जॉय को अपनी लाइफ में बना के रखें, उस जॉय को हमारी लाइफ में हम बना के रखें। वो जॉय और कोई नहीं, वो जॉय सिर्फ यीशु मसीह हमें दे सकते हैं, और उसने दिया है, उसने हमें दिया है। हालेलुया, आइए हम इस वर्ड को यहीं एंड करेंगे और उस जॉय को हमारे अंदर रहने देंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो पिता। प्रभु आज के दिन के लिए पिता हम आपको धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु हमारे जीवन से आपके नाम को महिमा मिले मेरे राजा। प्रभु जी हमारा जीवन प्रभु आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए मेरे राजा। प्रभु आपका जॉय परमेश्वर पिता, आपका आनंद प्रभु हमारे अंदर बना रहे। प्रभु आप हमारे अच्छे चरवाहे मेरे राजा। प्रभु जी आज के सारे प्रेयर पॉइंट्स को प्रभु हम आपके हाथों में सौंप देते हैं मेरे राजा। प्रभु जी हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए मेरे राजा। आज प्रभु जी आज का दिन प्रभु हमारी प्रभु आपकी उपस्थिति में बीतने पाए मेरे राजा, आपके उस आनंद में बीतने पाए मेरे राजा जो आपने हमारे लिए दिया।
प्रभु जी हम सारा आदर महिमा आपके हाथ में सौंपते और इस प्रार्थना विनती को यीशु के सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।